डीएचए लाहौर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज की शाम बड़ा फाइनल यहाँ पर गनी रमजान टोनी 2023 होम टीम गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट और एचबी लाल ग्रुप के दरमियान बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है और आज के लिए एक जबरदस्त शाम। तो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने यहाँ टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शानदार कट शॉट, चार रन्स। अपर कट किया डीप थर्ड मैन के बाला बालम, जोरदार छक्का। गेंद को ड्राइव किया है अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी ड्राइव है, बिल्कुल क्लीन हिट थी। गेंद चार रन्स के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, तो अच्छा स्ट्रोक मोइस का। एक बार फिर इस बार फील्डर चेंज है जी, आसानी से कैच ले लिया। इस बार ताहिर बेग थे वहां पे, तो पहला नुकसान यहां पे जीआईसी को। शाहजेब एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, सुफियान मुरी ने ये विकेट हासिल किए, ताहिर बेग ने कोई गलती नहीं की। पहला नुकसान जीआईसी को 38 पे। इस दफा पीछे गिरा हुआ गेंद था, रूम मिल गया, कट किया और चार रन के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया है शाहवेज इरफान ने। कदमों का इस्तेमाल, सीधा खेले, ये बहुत ही तेज शॉट था मोइस गनी की जानिब से, कड़ाकेदार चौका। और बोल्ड कर दिया, उसी पेस ने शिकार किया मोइस का, परफेक्ट यॉर्कर, लेग स्टंप को जा टकराई गेंद। अच्छे तरीके से पुल कर दिया है, ऑन साइड पर और गेंद जाएगी छक्के के लिए बाहर, बड़ा जोरदार छक्का था। ऊंचा स्ट्रोक है और गेंद गई है छह रन के लिए बाहर। जोरदार शॉट है शावेज का, छह रन के लिए चला गया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। शावेज ने एक बहुत ही बड़ा छक्का यहां पर जड़ दिया है उस्मान कादिर को, यह मुसलसल दूसरा इस ओवर का दूसरा छक्का है। और इस दफा आउट हो जाएंगे, दो छक्के लगाए उस्मान कादिर को शावेज ने, और इस दफा गेंद काफी देर हवा में रही और सलमान फियाज जो अपनी उम्दा फील्डिंग के लिए शोहरत रखते हैं, सेमीफाइनल में भी उन्होंने गैर मामूली कैच लिया और यहां भी एक उम्दा कैच पकड़कर 45 रन की इनिंग्स का खात्मा किया जो शावेज इरफान ने खेली। और ये यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर और LBW आउट, कहानी खत्म होगी मोहसिन की। हवा में बॉल है, अच्छा स्विंग, फील्डर बहुत ही शानदार, ये बहुत ही कमाल का कैच है, ये मीर वाइज ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ के एक इंपॉर्टेंट बैटर की विकेट हासिल की है। ये सब्स्टिट्यूट फील्डर है और एक अहम विकेट हासिल करते हुए आमिर जमाल। चावल के ये आउट हो जाएंगे, ये आउट हो जाएंगे, जी हाँ यकीन ही आउट हो जाएंगे। ये बॉल मिडिल स्टंप पे लग रहा था सीधा, आमिर जमाल की कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग का नतीजा एक और विकेट हासिल कर लिए। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, ये बॉल क्या है क्राउड में, लिफ्ट किया है, लिफ्ट किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इस बार हुसैन तलत ने 6 रन के लिए। बेहतरीन, कमाल का बॉल है, अपील आउट हो जाएंगे। जी हाँ, अंपायर राशिद रियाज का इशारा कि ये आउट है, सीधा बॉल लेग स्टंप को लग रहा था। बोल्ड कर दिया, ये शानदार स्पेल रहा है आमिर जमाल की जानिब से, तगड़ा स्पेल। यहाँ पे सजदा रेज होंगे, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस, वो जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है बड़े मैच में, बड़े फाइनल में, बड़ी परफॉर्मेंस आमिर जमाल की जानिब से, गुस्सा निकालते हुए। लेट बॉल, बॉल कर दिया और कामयाब हुए अपनी छठी विकेट हासिल करने में आमिर जमाल। ये कमाल की परफॉर्मेंस रही है बड़े फाइनल में, बड़ी परफॉर्मेंस आमिर जमाल की जानिब से। अच्छा शॉट खेला, ऑन साइड में चार फील्डर मौजूद थे लेकिन कोई भी गेंद के ज्यादा करीब नहीं था। पहला चौका लगाया ताहिर बेग ने और
ये उठता हुआ शॉट, ये नहीं रुकने वाली थी किसी के लिए। रफ्तार में रद्दो बदल, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया। होल्ड हो गए, ये गेंद आगे सच में लगी है, इस रानी को कामयाबी हासिल हुई। ताहिर अपनी विकेट खो बैठे हैं। एच बिलाल का ये पहला नुकसान है, अगरचे आगाज अच्छा था लेकिन कहना होगा कि जमकर सेट होकर ताहिर अपनी विकेट खो बैठे हैं। फुल टॉस ऑन साइड पे स्क्वायर और उसके लग जाने के लिए और गेंद सीधी फील्डर के पास, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, एक और कामयाबी एच बिलाल को और नईम अब बाहर जाते हुए। ये 6 रन हो जाएंगे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बेहतरीन शॉट, तगड़ा शॉट है ये 1 लाख की जानिब से, जबरदस्त बैटिंग। चांस लिया बिलाल ने, क्रॉस द लाइन स्वीप खेली और एक आसान फैसला अंपायर तारिक रशीद के लिए। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, उसाम अमीर टू गुड। इस मरतबा लेंथ बॉल मिल गई और फायदा उठाया, फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन उनकी पहुंच से दूर। गेंद गैप में गई, 2 रन बन जाने चाहिए क्योंकि सिर्फ खासा बड़ा गैप मौजूद था। 2 रन के साथ मिस सेंचुरी तक पहुंचे मोहम्मद अखलाक, जिन्होंने आज एच बिलाल को खुशियां दी। 35 गेंदों में मिस सेंचुरी स्कोर की। ये शॉट, इसकी फिक्र ना कीजिए, ये जोरदार छक्का है मोहम्मद अखलाक का। ये खराब गेंद थी और बुरा नतीजा भी उड़ा के रख दिया मोहम्मद अखलाक ने, और इसमें कोई शुबा नहीं ये छक्का है। ये हवा में शॉट खेला और छक्के के लिए खेल दिया, लंबे कद के फील्डर थे अब्बास आफरीदी लेकिन गेंद उनसे कहीं ऊपर थी और ये सेंचुरी करने के मूड में है मोहम्मद अखलाक। शॉट कैच तो दो बातें कैसे ऊंचा खेला है ऑफ साइड पर, गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं और ये कैच ऑफ हो गया। ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती है और एक टर्निंग पॉइंट भी होगा। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जोर बॉल आ गए तो इस तरह अजीम की कामयाबी हासिल हुई। मेरे ख्याल में ये एक पेशरफ्त हो सकती है, अब्बास ने स्कोर वन किया था और इस तरह ये चौथी विकेट गिर गई 161 के मजबूत स्कोर पर एच बिलाल की। तो इस दौरान आखिरी ओवर की पहली गेंद शॉट तो दो बाती कैसे खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। तो इस तरह आपने 100 रन मुकम्मल की, अखलाक ने 105 पर पहुंच गए 171 पांच विकेटों के नुकसान पर। तो ये डिसाइसिव छक्का पहली ही गेंद पर लगाया, ये तहलका खेज इनिंग्स अखलाक की बड़े फाइनल में और टाइमली छक्का लगाकर उन्होंने अपने 100 रन मुकम्मल किए। ऐसी इनिंग्स फाइनल्स में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, बजा तौर पे उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। वह पिच गेंद इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर, तो इसके साथ ही 6 रन हुए और कामयाबी हासिल कर ली है एच बिलाल ने और अखलाक डॉट आउट है 111 रन पर। और शायकी ने क्रिकेट का एक जम्मे गफीर है जो इस स्टेडियम में दाखिल हो चुका है और जाहिर है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अब आतिशबाजी हो रही है और खुशी का समा है। एच बिलाल ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो एक तारीखी कारनामा है और आप हमारे इस ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं कि किस तरीके से चारों अतराफ से शायकी क्रिकेट मैदान में आ गए हैं और मुबारकबाद पेश कर रहे हैं एच बिलाल के अखलाक को। वह एक शानदार तहनियत के मुस्तहिक हैं और एक जिस तरह शानदार आगाज हुआ था आज इस फाइनल का शानदार इख्तिताम हुआ है। तो वेल डन अखलाक, वेल डन एच बिलाल।